Do this 2 to 4 minutes every day to get a flat stomach. Lose belly fat challenge. Hello everyone, you're watching Food, Fitness and Fun and this is Dietitian Manju Malik. So, ek aisa secret mein lekar aayi hoon, ek aisi cheez jisse aapko flat belly aur core strengthen karne mein bahut help milegi. So, main ye video bana rahi hoon apne kuch favorite fitness YouTubers ke saath, jo is video mein bhi featured hain, Soumya, Anvesha Mukherjee and Mukti Gautam. तो हमने भी वो चैलेंज लिया जिसके बारे में मैं बात कर रही थी वो चैलेंज दिखाऊंगी लेकिन सबसे पहले बेली फैट को लेके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ सो देयर टू टाइप्स ऑफ बेली फैट विसरल फैट एंड सबक्यूटेंशियस फैट सबक्यूटेंशियस फैट ऊपरी फैट होता है जो आपकी चमड़ी में है अभी तक सिर्फ लेकिन विसरल फैट वो होता है जो आपके ऑर्गन्स तक जा चुका है अगर आप फीमेल हैं और 35 से ज्यादा आपकी वेस्ट है और आप मेल हैं और 40 से ज्यादा आपकी वेस्ट है तो देयर आर चांसेस कि आपकी बॉडी के अंदर विसरल फैट है और जिसे खत्म करने के लिए आपको इमीडिएट एक्शन लेने पड़ेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बीमारियां इससे आगे जाकर हो सकती हैं जो बहुत डेडली हैं स्ट्रेस बेली नमी बेली हार्मोनल बेली ब्लोटेड बेली थायराइड अल्कोहल बेली इन सभी के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ और सभी के लिए ये एक एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है बेली फैट लूज करने के लिए आपको हेल्दी डाइट चाहिए स्ट्रेस को रिड्यूस करना चाहिए और एक्सरसाइज लेकिन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हम करें तो वर्ल्ड की बेस्ट एक्सरसाइज टू रिड्यूस बेली फैट इज प्लैंक प्लैंक एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी पूरी कोर पर वर्क करता है अनलाइक क्रंचेज काफी लोग क्रंचेज करते हैं ये साबित हो चुका है कि प्लैंक उससे ज्यादा इफेक्टेड है ना सिर्फ आपकी ऊपरी फैट को लेकर आपके अंदरूनी फैट को भी कम करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है प्लैंक फ्लैट बेली के लिए टोन स्टमक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो सिक्स पैक वाली मसल्स हमारे अंदर होती हैं उन पे भी काम करता है साइड पर आपके हिप्स पर आपके ओब्लिक्स पर भी काम करता है तो इसी एक इफेक्टिव एक्सरसाइज को करने के लिए और आपको दिखाने के लिए हमने भी लिया प्लैंक चैलेंज जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे हेलो एवरीवन यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन एंड दिस इज डाइटिशियन मंजू मलिक और आप देख सकते हैं मेरे साथ कुछ ज्यादा ही फिट लोग बैठे हुए हैं आज सो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ आई एम अन्वेषा फ्रॉम सिंपल टू अन्वेषा हाय आई एम सौम्या पर्सनल एंड हेल्थ एंड फिटनेस मोटिवेटर फ्रॉम द चैनल द ग्लोबल टेल्स Hi, I'm Mukti Gautam, fitness coach, and my channel is Mukti Gautam. So, आज हम मेरे चैनल पे एक चैलेंज करने वाले हैं दैट इज प्लैंक प्लैंक चैलेंज यानी कौन सबसे ज्यादा देर तक प्लैंक को होल्ड करता है चैलेंज को शुरू करने से पहले इसे कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ आप देख सकते हैं ये होती है प्लैंक की पोजिशन लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है जैसे कि जब भी आप इस पोजीशन पे आए तो आपकी शोल्डर और आपकी एल्बो एक लाइन में होनी चाहिए आपकी पूरी बॉडी भी एक लाइन में होनी चाहिए आपका बट आपकी शोल्डर और आपके हील्स आपको अपने बट और थाई स्क्वीज करके रखने हैं और अपने एब्स को टाइट करके रखना है आपका हेड भी एक ही लाइन में होना चाहिए ना नीचे ना ऊपर इस एक्सरसाइज में आपके एब्डोमिनल ओब्लिक मसल्स यानी साइड के मसल्स साथ ही रेक्टस एब्डोमिनिस यानी जो आपकी सिक्स पैक मसल्स होते हैं जिस जो वो बनाते हैं वो सभी काम करते हैं आपकी कोर स्ट्रेंथन होती है और आपका बेली फैट बहुत ही इफेक्टिव वे से रिड्यूस होता है सो दिस इज दी परफेक्ट प्लैंक पोजिशन मैं आपको हर एंगल से बता रही हूँ आपका फ्रंट आपकी एल्बोज आपकी शोल्डर एक लाइन में नेक स्ट्रेट आपको अपने पैर के बीच में गैप रखना है थोड़ा सा हिप विड्थ उसके अंदर होनी चाहिए बिल्कुल चिपका के नहीं करनी है और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं प्लैंक को करते टाइम वो है या तो उनका हिप बहुत ऊपर जाता है या बहुत नीचे जाता है आपको अपनी नेक भी एंगेज करनी है अगर आप क्रैंड नेक करेंगे या फिर उसको हैवी नेक बनाकर रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है नेक में साथ ही आपको अपने लेग्स भी एंगेज करने हैं इससे बेली फैट तो रिड्यूस होता ही है साथ ही आपकी कोर मसल स्ट्रेंथन होती है इससे आपका पोस्चर इम्प्रूव होता है आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है बैलेंस आता है बैक पेन जिन लोगों को है वो भी इससे रिड्यूस होने में हेल्प मिलती है
आपका इंड्योरेंस, आपका स्ट्रेंथ, आपका स्टेमिना बिल्ड होता है। साथ ही बहुत सारी और वेरिएशंस आप कर सकते हैं प्लैंक के साथ। ये एक बेसिक प्लैंक है, अगर आप इसमें परफेक्शन हासिल कर लेते हैं तो आप ऑलमोस्ट सभी प्लैंक्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए काबिल बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्लैंक चैलेंज। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट्स टेक द पोजीशंस एंड देन वी विल स्टार्ट। मैं तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में भी नहीं हूँ फिटनेस वाली। दिल में फिटनेस होनी जरूरी है गाइस। ओह माय गॉड, दिल में भी स्टार्ट। So as I said, I was not in the right uniform and I feel that is very important. So ये भी एक mistake है जो आप ना करें। आप पूरे sports wear में इसे करें क्योंकि आपकी body जो है वो पूरी flexible होनी चाहिए उस time पे। I was wearing a jumpsuit जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से लो नहीं जा पा रही थी। So Soumya did it for 1 minute. Soumya ने हार मान ली है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा zumba करके थक चुकी है। माय गॉड, ये मैं अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया हुआ है। ये मैंने खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया गाइस। क्या हो गया? आई कैन लिटरली फील माय पोर यार। ये बैड। गॉड कम ऑन यार, दिस पीपल आर वाओ। कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इफ यू आर अ बिगिनर, स्टार्ट विद 30 सेकेंड। साथ ही टाइमिंग से ज्यादा आपका पोस्चर, आपका स्टांस इंपॉर्टेंस है। आप इसके सेट्स भी लगा सकते हैं, जैसे 4 से 5 सेट विद 20 सेकेंड ब्रेक इन बिटवीन। आप वार्म अप करें प्लैंक करने से पहले और ग्रेजुअली अपनी टाइमिंग और सेट्स इंक्रीज करें। वॉचिंग इन सभी ब्यूटीफुल गर्ल्स के ब्यूटीफुल चैनल्स का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू ऑल द चैनल्स। बहुत अच्छे वर्कआउट वीडियोज के लिए, बहुत अच्छे जुम्बा और हेल्थ वीडियोज के लिए और सभी चीजों के लिए। ये माता सब कुछ करती है। प्लीज सब्सक्राइब टू देयर चैनल्स एंड उनके इंस्टा लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड वी विल बी बैक वेरी सून। बाय।